वीवो के कौन से रिसेंटली फ़ोन चल रहे हैं? 8-9 हज़ार का है ये, चल जो ऊपर चेक, 15C 16 21 EY 22 35 एक्सल है 35 और ये सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 23 प्रो आ गया, 25 प्रो आ गया, फिर ये आ गया 25 कला, ठीक है। उसके बाद इसकी टी सीरीज आ गई, T1 5G T1X 5G T1 प्रो, ठीक है। ये तो सिर्फ वीवो का स्टॉक। अब सैमसंग में चेक करो, A13 A04S जो कि अभी अभी आया, ये सैमसंग का अभी आया, पर ये भी 8-10 हज़ार की रेंज में होगा। ये चेक करो सैमसंग के मोबाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। और अभी इसकी वेब सीरीज की जो प्रीमियम सीरीज, चेक करो प्रीमियम सीरीज। तो फ्रेंड्स, सैमसंग में प्रीमियम दिखा दिए और बजट मैंने आपको बता दिया, 10 हज़ार से शुरू हो जाता है, उसके बाद 1,10,000 तक जाता है। 1,10,000 क्यों, 1,65,000 तक जाता है फ्रेंड्स। ये देखो 1,20,065,000 का फोल्ड 4 स्लिप आ गया, 85,000 का, 85 का, ये सारे प्रीमियम फ़ोन हैं। S22 Ultra इसमें ऐसे वाले मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी नीचे आ गई एक्सेसरी, अब आते हैं प्रीमियम। आईफोन आ गया, चेक करो 14 Pro Max, ठीक है। बाकी वो सारे आईफोन आ जाते हैं, चलो समझ में आ गया, बस ये सारे ही है, देख लिए। 14 15 16 17 18 ये सारे चेक कर लो। ये आ गया प्लस iPhone 14 Pro Plus, प्रो कला प्रो प्लस 14 Plus, प्रो प्लस तो सैमसंग में आता है, पर एक्चुअली बता दूँ ये जितने ही फ़ोन हैं सबसे महंगा सैमसंग में आता है 1,65,000 का, ठीक है। चेक कर लो, ये आ गया कलर 14 14, इसमें और 13 में कोई इतना डिफरेंस है नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। बाकी अगर एप्पल में देखा जाए तो सबसे महंगा ये वाला है, इसका है 1,35,000, टैक्स डाल के कितना हो जाएगा, 1,50,000 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 1,90,000। ये पर एक चला गया एक टीवी में, 1,90,000 का, पर अगर ये सैमसंग में जाता है तो 2,00,000 क्रॉस कर जाएगा एक टीवी में। जो भी वीवो के लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं वाई से लेके सारे मैंने आपको दिखा दिए बॉक्स पे, ठीक है। सैमसंग में भी दिखा दिए और एप्पल में जो 3 आए हैं नवे वो भी दिखा दिए। जो अच्छा लगा खरीद लो, नहीं अच्छा लगा तो चला के देख लो दुकान पे आके। लक्की स्माइल शॉप पे बैठा हुआ, शूट कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सिंपल सी। तो क्या कर सकते, बाय, थैंक यू।